ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोगों ने पेपर वन किया था, बड़ा डिवीजन का जो ये 30% रैंकर कोटा का पेपर था, 2 जुलाई 2021 का। सेकंड पेपर रह गया था, तो सेकंड पेपर को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही इजी है ये पेपर, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही इसको जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ों पे मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँगा जहाँ पर लगेगा कि कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज पेपर बहुत ही सिंपल है, ये पेपर 2 पेपर 1 से भी ज़्यादा सिंपल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, और साथ ही साथ कुछ और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन निकलते होंगे इससे वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 25 वॉट VHF सिस्टम का कि ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग वोल्टेज हम लोग अभी तक कितने दिन से काम करते आ रहे हैं तो हमें पता है ऑपरेटिंग वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट DC होगा। हाँ, लेकिन इसमें 12 वोल्ट DC के साथ में जो बैटरी इस्तेमाल होगी वो कितने एच की होगी? 40 120 80 से 120, सॉरी 80, मिनिमम 80 होनी ही चाहिए, और 120 एएच की बैटरी हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए, है ना। तो इसके संदर्भ में हम लोग ये भी एक लाइन याद रखेंगे कि हमारी जो बैटरी इस्तेमाल होगी वो मिनिमम 80 एएच की होगी या फिर 120 एएच की होगी। तो हमारा रेंज ये रहेगा ऑपरेशन का, 12 वोल्ट तो ठीक है बट उसकी एम्पियर कैपेसिटी भी हमें साथ में याद रखनी है। दो नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज नॉट यूज, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बैटरी हम लोगों को यूज नहीं करनी है 5 वोल्ट VHF सिस्टम के लिए। तो जाहिर सी बात है इसमें निकिल कैडमियम वरला हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है। NIMH कौन सी बैटरी है, इसका फुल फॉर्म? सेकेंडरी हाँ सेकेंडरी तो है, लेकिन NIMH किसको बोलते, किसको है? जैसे निकिल कैडमियम है वैसे ही NIMH को बोलते मेटल हैं। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं है, हाइड्राइड है, निकिल मेटल हाइड्राइड है। तो ये दोनों तरह की बैटरी इस्तेमाल होती है, और ये बैटरी आप लोगों ने देखा है, चलो मैं नेट पर ही दिखा देता हूँ आपको। ये बैटरी हम लोगों ने मीटर में या ऐसी ऐसी जगहों पे देखा हुआ है पहले भी, मेटल हाइड्राइड बैटरीज। तो ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ना, इस तरीके की बैटरी जो है ये निकल मेटल हाइड्राइड की हो सकती हैं, इस तरीके का। ये वाला ज़्यादातर वॉकी टॉकी सेट में ये वाला भी बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये निकल मेटल हाइड्राइड है 9 वोल्ट की। तो हम लोगों को जो 5 वोल्ट VHF सेट की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 7.2 7.2 होती है। तो ये 9 वोल्ट का है बट 7.2 वोल्ट का भी अवेलेबल होता है, ऐसे शेप में भी हो सकता है या फिर साइज जैसे हमारी जो पेंसिल सेल्स होते हैं इस तरीके के भी हमारे मेटल हाइड्राइड सेल्स बैटरीज हो सकती हैं। तो देखने में निकल कैडमियम और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, बट इंटरनल जो बनावट है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो अलग तरीके की होती है ना। तो ये सारे निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज ही हैं जो हमारे VHF सेट में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड हो गया, ये तो यूज होता ही है, वरला यूज नहीं होता। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइए, नॉर्मल रेंज ऑफ ए 25 वॉट VHF सेट इज कितना होना चाहिए? और बात 15 किलोमीटर हाँ, इसमें अलग अलग रेंज है, तो जैसे अगर 5 वॉट पूछेगा तो 1 से 2 किलोमीटर है, लेकिन स्टेशनरी सेट्स जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं 25 वॉट का, वो 12 से 15 किलोमीटर होता है। और एंटीना हाइट जब हम बढ़ा देते हैं मीटर, जो 20 मीटर से अधिक हाइट पे अगर हम लगाते हैं तो वहाँ 25 किलोमीटर तक हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो एवरेज जो हमारी रेंज है वो 12 से 15 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 15 किलोमीटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, अलॉटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कैरिड आउट फॉर वीएचएफ सिस्टम। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसके द्वारा अलॉट की जाती है, डब्ल्यूपीसी के द्वारा की जाती है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक और कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारे पास में, पीटीसीसी। इसका फुल फॉर्म पता है? पीटीसीसी भी एक कमेटी है, ये भी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। पीटीसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसके बारे में मैनुअल में या टेलीकॉम हैंडबुक में दिया हुआ है, आप इत्मीनान से पढ़िएगा इसके बारे में, कि जहां पर भी 11,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट से अधिक की लाइन का जिक्र होगा, यानी 11,000 वोल्ट एंड अबव की पावर लाइंस के साथ में अगर रेलवे का कोई लेना देना है, तो वहां पर ये पीटीसीसी का रोल आ जाएगा, है ना। तो इसमें थ्रेशोल्ड हमारी क्या है, 11,000 वोल्ट या उससे अधिक की अगर लाइन है और वो रेलवे से उसका कहीं कोई लिंकेज निकलता है, तो वहां पर हम लोग, या रेलवे के अंदर में भी हम 25,000 वोल्ट की वैसी लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे में इस जो कमेटी है पीटीसीसी, उसका रोल उसमें डिफाइंड है ना। तो अच्छा खासा एक मॉड्यूल है टेलीकॉम मैनुअल में पीटीसीसी के ऊपर, आप इसको चाहें तो पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। और भी बहुत सारे इसमें हैं, इसकी बैठकें कब कब होती हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सेंट्रल लेवल पर कौन होता है, स्टेट लेवल पर कौन होता है, डिविजनल लेवल पर कौन होता है, सब डिविजनल लेवल पर कौन कौन लोग होते हैं इसमें, तो ये पूरा है फुल फ्लेज कमेटी है, आप स्टेट सेंटर रेलवे सब इन्वॉल्व है इसमें। चलिए, फाइव नंबर है, व्हाट इज एन एंटीना, एंटीना क्या है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एंटीना क्या है। मेटालिक डिवाइस फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव्स। हाँ, मेटालिक डिवाइस तो है, मेटालिक डिवाइस तो है जो रेडियो वेव्स को रेडिएटिंग और रिसीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ ट्रांसड्यूसर भी है ना, तो एंटीना ट्रांसड्यूसर भी है, बट चूंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसड्यूसर बिटवीन गाइडेड वेव एंड फ्री स्पेस वेव, ये यहाँ पर सटीक ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, है ना। तो मैटलिक तो अनगाइडेड वेव यूज करते हैं इसमें, अनगाइडेड में भी इस्तेमाल होता है, ट्रांसड्यूसर तो है बट अनगाइडेड में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा मैटलिक डिवाइस वाला है, बट ट्रांसड्यूसर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर जो एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइक योर माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआरटी फ्रीक्वेंसी, ये तो सबसे सिंपल है, कितने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एआरटी फ्रीक्वेंसी 147.975। ये ऑप्शन ए में जो है 159.650, ये किसका है, एसएनटी की, ये हमारा एसएनटी का है, ठीक है। तो अभी ये सब तो कॉमन से क्वेश्चंस हैं कि आपके एआरटी का क्या है, गार्ड ड्राइवर फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉमन चैनल फ्रीक्वेंसी, देखो नया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन चैनल का है, तो कॉमन चैनल फ्रीक्वेंसी भी हमारी 160.400 होती है, लेकिन नया हमारे लिए जो अभी फोकस पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 80 WS वाला, अप्रोचिंग ट्रेन वार्निंग सिस्टम वाला, जो हमारा नया जो अभी स्टार्ट हुआ है वो पूछा जा सकता है, बिल्कुल नया सा है वो, और हमने ये चार्ट पहले एक बार देखा हुआ है, तो इस चार्ट 160.450, तो अगर आप सपोज थोड़ी देर के लिए अगर आप कॉमन चैनल याद रखते हैं, तो कॉमन चैनल के जस्ट एडजेसेंट चैनल आप कह सकते हो कि वो हमारे लिए वीएचएफ बेस्ड अप्रोचिंग ट्रेन वार्निंग सिस्टम होगा, ट्रैक मेंटेनर को जो दिया जा रहा है, तो अभी लेटेस्ट है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरूर,
है ना, ये जो 160.450 वाला है ये लेटेस्ट है अभी। तो क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा अगर हटके करना चाहें तो ये ही पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या पूछा जा रहा है, एआरटी की फ्रीक्वेंसी क्या है, गार्ड ड्राइवर की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर एलसी गेट का भी आता है जिक्र, एलसी गेट के भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ये 159.700, ये भी एलसी गेट का भी है। एसएनटी का तो जनरली कहीं दिखता नहीं है मुझे, बट ठीक है नज़र में रखें, 159 के बैंड में है। तो 159.700 एलसी गेट कम्युनिकेशन, फिर आपका ये 160.450 वी इज द बेस्ट अप्रोचिंग ट्रेन वार्निंग सिस्टम फॉर ट्रैक मेंटेनर्स, ये कॉमन फ्रीक्वेंसी अभी हमने जो देखा, और एक्सीडेंट साइट कम्युनिकेशन या एआरटी कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चार चार है जो जनरली हमने देखा है कि क्वेश्चन इसमें आते हैं। एलसी गेट कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, 159.700। ठीक है, तो मिलते जुलते थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग अगल बगल के भी टॉपिक देखते हुए चले, अच्छा रहेगा। एआरटी इंस्पेक्शन डन बाय एआरडीएसटी सभी ऑफिसर 3 महीने में एक बार, तो ऑफिसर कहते ही हो गया क्वार्टरली। 10 नंबर क्वेश्चन और भी आसान है, आप लोग पहले भी इसको कर चुके हैं। एआरटी के सायरन बजने के बाद एआरटी मूवमेंट कितने देर में होगी, डे एंड नाइट की 30 एंड 45। और एआरएमई का क्या था, अगर दिन और रात के हिसाब से, याद आ रहा है? डे 15 मिनट्स और नाइट 25 मिनट्स। डबल एग्जिट सिंगल एग्जिट वो अलग है ना, 15-20 का जो है वो डबल एग्जिट सिंगल एग्जिट अलग है, बट नाइट एंड डे का एआरएमई का 15 और 25 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर जो है वो क्या है, रेलवे डिजास्टर नंबर हमारा 107.07। 1072। ठीक है, 139 किसका है, रेलवे इंक्वायरी है। आप इसको आज के डेट में कह सकते हो कि ये रेल मदद करके हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, 139 का रेल मदद, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले तो रेलवे इंक्वायरी तो थी ही, लेकिन अब उसमें ओबीएचएस सर्विसेज को भी जोड़ दिया गया है, दूसरे और भी पूरी एक लिस्ट है कि रेल मदद के अंदर में क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट रेल मदद के नाम से एक वेबसाइट भी है, आप जब गूगल पर सर्च करेंगे रेल मदद लिख के, तो रेलवे ने एक वेबसाइट बना रखी है जिस पर आप अपने कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। कॉल जरूरी नहीं है कि कॉल ही करें, वेबसाइट के थ्रू भी हम उसमें पीएनआर नंबर डाल के अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं। 12 नंबर है, पब्लिक अनाउंसमेंट एट एक्सीडेंट साइट के लिए कौन सा इक्विपमेंट इसमें से जरूरी है हमारे लिए, मेगाफोन जरूरी है, पोर्टेबल पीए सिस्टम के तौर पर हम लोग मेगाफोन का इस्तेमाल करते हैं। 25 वॉट ट्रांजिस्टराइज टाइप, तो 25 वॉट का ट्रांजिस्टर टाइप जो मेगाफोन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एआरटी आरएमई में। 30 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, रेक्टिफायर डायोड्स क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है एसी को, और रेक्टिफायर डायोड के तौर पे हम कौन सा डायोड इस्तेमाल करते हैं, याद है? 1N4007, ये रेक्टिफायर डायोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 1N का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, तो है सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, एक है उसमें, एक पीएन जंक्शन है उसमें। 14 नंबर है, डायोड कैन बी टेस्टेड बाय मल्टीमीटर, किन किन तरीकों से हम डायोड को टेस्ट कर सकते हैं, डायोड मोड में, रेसिस्टेंस मोड में,
दोनों मोड में कर सकते हैं ना। तो अगर डायोड मोड में आप नहीं कर पा रहे हैं या डायोड मोड की फैसिलिटी या मीटर में प्रॉपर नहीं हो रही है, तो हम रेसिस्टेंस मोड में जाके टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर डायोड मोड अवेलेबल है और वर्किंग है, तो मल्टीमीटर में हमेशा हम लोग डायोड मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन दोनों है, बट बेटर होगा कि हम उसको डायोड मोड में ही टेस्ट करें, अगर होता है तो। नहीं होने पर ही रेसिस्टेंस मोड में जाएंगे। सर क्वांटिटी मॉडिफिकेशन कर सकते कंटिन्यूटी में लूप नहीं मिलेगा ना, लूप पे कंटिन्यूटी। एक्चुअली कंटिन्यूटी में तो हम लोग लूप चेक करते हैं ना, एक रिवर्स पाथ भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, बेसिकली हम लोग कंटिन्यूटी में तो लूप चेक करते हैं ना। लूप चेक करेंगे तो रिवर्स पाथ आता है और वो बजर आपका एक्टिव हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी मेंटेन है। यहाँ तो वन वे है ना, यूनिडायरेक्शनल है। तो नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने पीसीएम पढ़ा है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 4 स्टेप होते हैं, उसमें से एक स्टेप के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड यानी पैम सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जो पैम सिग्नल है आफ्टर सैम्पलिंग, जो हमारी सिग्नल जो बनती है वो है पैम सिग्नल्स, और उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। सीक्वेंस याद रखिएगा, फिल्टरिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। तो ये जो राइट से लेफ्ट चलेंगे यही हमारा सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में ना, पीसीएम के क्वेश्चन में दो चीजों को ध्यान रखना है, ये क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन तो और रहता ही रहता है ना। और दूसरा याद रखिएगा कि आफ्टर सैम्पलिंग हम लोगों का जो सिग्नल मिलता है वो पैम मिलता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स मिलते हैं। तो तीन चार क्वेश्चन इससे हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि पीसीएम होता किस लिए, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका सीक्वेंस क्या होता है, फिल्टरिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। अब सैम्पलिंग के बाद जो सिग्नल निकल के आता है हमारा, जो कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है आफ्टर सैम्पलिंग, वो हमारे लिए पैम मिलता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स मिलते हैं। फिर उसको हम जब क्वांटाइजेशन करते हैं लीनियर या नॉन लीनियर, तो उसके उसके थ्रू हम लोग उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो कन्वर्जन हो गया है उसके बाद एनकोडिंग की फैसिलिटीज इम्पोज की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन पीसीएम द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर, हायर, इक्वल। तो जाहिर सी बात है, हमेशा डबल के रेट से करनी है तो हायर ही होगा। हाँ, एफ एस इक्वल्स टू 2 FM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिजिटल वेंडर एंड जिटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। वेंडर लॉन्ग टर्म, जिटर शॉर्ट टर्म। तो ये क्वेश्चन, हाँ, वेंडर लॉन्ग जिटर शॉर्ट, बस यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे वेंडर जिटर पे, यही आता रहा आज से 10 साल पहले भी, अगर कोई क्वेश्चन आया होगा ना वेंडर जिटर पे, तो यही क्वेश्चन आता है हमेशा से। 19 नंबर क्वेश्चन और आसान है, टाइम स्लॉट्स इन ए पीसीएम फ्रेम आर, पीसीएम फ्रेम में टाइम स्लॉट्स 32। हाँ, तो इसमें पीसीएम के ऊपर दो ही क्वेश्चन आएंगे, या तो टाइम स्लॉट का क्वेश्चन आएगा 32 का, दूसरा क्वेश्चन एक स्लॉट का आ सकता है, फिर पीसीएम फ्रेम का जो टाइम है, फ्रेम का टाइम वो कितना होगा, एक स्लॉट का टाइम कितना है वो हो सकता है, दो सैंपल के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 फ्रेम्स यानी 2 सैंपल्स, वो यही 4-5 क्वेश्चन इससे घूम फिर के आएंगे पीसीएम के ऊपर। टाइम स्लॉट, चैनल, एक स्लॉट का टाइम ड्यूरेशन, पूरे फ्रेम का टाइम ड्यूरेशन, मल्टी फ्रेम का टाइम ड्यूरेशन, कितने एक मल्टी फ्रेम में कितने फ्रेम, ये क्वेश्चन, और 2 सैंपल्स के बीच में यानी 2 पीसीएम फ्रेम्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना, बस यही 4-5 क्वेश्चन है जो इनसे मिलते जुलते आते हैं। अब 20 नंबर से पीए सिस्टम का क्वेश्चन आया, देखिए, इन विच मैचिंग टेक्निक लाइन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड। एलएमटी का इस्तेमाल कब किया जाता है, किस,
तो वोल्टेज मैचिंग टेक्निक में एलएमटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी वोल्टेज मैचिंग पर ही है कि इन विच मोड लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड, किसमें, वोल्टेज मैचिंग कंडीशन में, है ना, तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, हमेशा पैरेलल, है ना, ऑलवेज इन पैरेलल मोड। और अगर वोल्टेज मैचिंग की जगह पर इंपीडेंस मैचिंग लिखा रहेगा तो फिर तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ बड़ौदा के पेपर में, तो ये रिपीट किया गया यहाँ पे, है ना। इंपीडेंस मैचिंग का क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, इंपीडेंस मैचिंग टेक्निक में ऑल स्पीकर्स आर कनेक्ट टू द फॉलोइंग आउटपुट टर्मिनल्स। तो जाहिर सी बात है इंपीडेंस मैचिंग जब कह दिया तो कॉमन 4 ओम 8 ओम 16 ओम, कॉमन 4 ओम 8 ओम 16 ओम का बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए अब 22 नंबर हो गया, 23 नंबर पे चलते हैं। आईवीआरएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, 23 नंबर का हो गया हमारा। ये देखा, बोला ना पेपर वन से भी आसान है ये। वॉकी टॉकी सेट्स कौन से मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। और अपना 25 वॉट वीएचएफ सेट नहीं, वो सिंप्लेक्स में है, उसको वीएचएफ सिंप्लेक्स बोलते हैं। हाँ, वीएचएफ सिंप्लेक्स बोलते हैं, वो 25 वॉट का जो हमारा वीएचएफ सेट इस्तेमाल होता है वो वीएचएफ सिंप्लेक्स मोड है। नॉर्मल सिंप्लेक्स जो पढ़ते हैं उससे अलग है, वो वीएचएफ सिंप्लेक्स बोलते हैं उसको, उस मोड में काम करता है वो। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, ये WLL से है, वायरलेस ऑन लोकल लूप। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड सेलुलर एंड रेडियो एक्सेस इंक्लूडिंग कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम। तो ये WLL पहले चलता था गांव में, BSNL का देखा होगा आप लोगों ने, पहले BSNL के लोग एक एंटीना लगाते थे, पहले एंटीना लगा दिया मतलब रेडियो एक्सेस हो गया, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पे काम करता था। तो रेडियो एक्सेस का मतलब ये हो गया कि एंटीना लगा दी हमने ऊपर, फिर उसके बाद नीचे उसका एक बेस रिसीवर हम इस्तेमाल करते थे जिसको फिक्स्ड सेलुलर कह सकते हो आप, और उसमें जो हैंडसेट होता था वो कॉर्डलेस टाइप का होता था, जो एफएक्स हमारा जो एफएक्स क्या बोलते थे उसको, एफटीयू बोलते थे, फिक्स टर्मिनल टेलीफोन यूनिट ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो कॉर्डलेस टाइप का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे तो वो नॉर्मल बीटल का फोन भी चला सकते हैं, बट कॉर्डलेस फैसिलिटी भी उसमें WLL में हमें मिलती है। और WLL खास करके जब हम लोग अपने RTO वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉर्डलेस ही होता है, वो हैंडसेट हो जो रहता है वो कॉर्डलेस ही रहता है। तो एंटीना इस्तेमाल हो रहा है, एक फिक्स्ड बेस स्टेशन इस्तेमाल हो रहा है, और कॉर्डलेस हैंडसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों चीजें आपके WLL में इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए हम लोग ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसको जस्टिफाई करता है। 26 नंबर है, IEEE स्टैंडर्ड फॉर WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, 802.11। और 802.11 में जो बैंडविड्थ पूछता है वो कितना Mbps है, 54 Mbps। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यही दो क्वेश्चन इससे आते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड क्या है और उसका जो बैंडविड्थ है 802.11 का वो क्या है। बस तो थोड़ा सा यही रहता है अपने को, जो क्वेश्चन हम डील कर रहे होते हैं तो साथ में उससे मिलते जुलते चीजें भी देखते चलें, आना तो यही है घूम फिर के। और एक मैंने आपको बहुत पहले ये फॉरवर्ड किया था, आई होप आपको शायद ये मिला था पहले, इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें से जो पूछे जाते हैं वो 802.3 वाला है, जैसे इथरनेट वाला, इंटरनेट वर्किंग वाला भी एक बार पूछा हुआ है, इंटरनेट वर्किंग 802.1 पूछा हुआ है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का क्वेश्चन शायद नहीं देखा हमने अभी तक,
बट नॉर्मली इथरनेट का पूछा हुआ है, वायरलेस लैन का पूछा हुआ है, और एक वीलैन का पूछा हुआ है। वीलैन का क्वेश्चन एक आया हुआ है एक बार, वर्चुअल लैन में हम लोग कौन सा आई ट्रिपल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्चुअल लैन का भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, देख के मैं आपको रिपीट कर दूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन डिविजनल क्वेश्चन है कि हम लोग जो आईपी पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं बीआरसी डिवीजन में, वो कौन से क्लास की आईपी है, किस क्रम में इस्तेमाल हो रहा है वो। तो जाहिर सी बात है आपको अपना अगर इस्तेमाल हो याद होगा आईपी एड्रेसिंग, तो 10.35 रेंज पे हम काम करते हैं। हाँ, बट अभी क्वेश्चन अगर इसमें पूछ ले /16 की जगह पे /8 कर दे, /24 कर दे, तो वो देखना रहेगा, है ना। तो इस पे ध्यान रखिएगा, 10.35 तो है ही, बट /16 है हमारा, इसकी जगह पे /14 और /16 और /24 कर दे, तो उसमें से आपको एक परफेक्ट आंसर निकाल के बताना पड़ेगा। तो हमारा जो पैरेंट एड्रेस है यही है, इसके बाद हम लोग क्लास सी में भी गए हैं, बट एग्जैक्टली याद रखेंगे कि बीआरसी डिवीजन का यही वाला पैरेंट नेटवर्क है। फॉइस फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आरएमएस होता है, टीएमएस होता है, और आरआर जनरेशन भी होता है, रेलवे रिसिप्ट जनरेशन तीनों होते हैं। तो अपने को ये ऑप्शन यहाँ पे टिक करनी है। एनईटीएस नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, ये हमने बहुत पहले एक पेपर में डिस्कस किया था कि वो 3-in-1 डिवाइस है, उसमें राउटर भी होता है, उसमें इथरनेट स्विच भी है और टर्मिनल सर्वर भी है, तीनों चीज आपको एक ही डिवाइस के अंदर मिलती हैं, इसलिए इसको 3-in-1 डिवाइस बोलते हैं एनईटीएस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर है, द लॉजिक गेट विच इन्वर्ट्स इस इनपुट, ऐसा लॉजिक गेट जो अपने इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, तो वो हो गया नॉट गेट, हो गया नॉट गेट, अपने इनपुट को रिवर्स कर देता है। डिजिटल डी मल्टीप्लेक्सर, अब ये डी मल्टीप्लेक्सर कह रहा है, यानी मैनी टू वन, जैसे मल्टीप्लेक्सर में होता है वैसे डी मल्टीप्लेक्सर में वन टू मैनी होगा, तो बी ऑप्शन है, द सिंगल इनपुट एंड मैनी आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर और आसान है, स्विचबोर्ड केबल का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पूछ रहा है, ये हम लोग इतने दिनों से करते आ रहे हैं, 600 ओम होगा। ठीक है, 6 वाट हो गया तो 470 हो जाएगा। एक्सपेंड पीआईजेफ, पीआईजेफ को क्या बोलते हैं, जेली फील्ड, और पीवीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पेट को क्या बोलते हैं, पीईटी, पेट, तो यही, हाँ पॉलीइथिलीन टेट्राक्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड जेलीफिल्ड, तो ये तीन आपके टर्म हैं जो पूछे जा सकते हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक आ सकता है। चलिए ठीक है, टीएसएफ और आरटीएसएफ का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ ट्रैक्शन पावर सिस्टम द लॉन्गिट्यूडनली इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द टेलीकम्युनिकेशन केबल शुड नॉट एक्सीड, कितने वोल्ट से ज्यादा का हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल इंडक्शन है वोल्टेज है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 60 वोल्ट का फॉर्मूला है, 60 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सामान्य परिस्थिति में आपको टेलीकॉम मैनुअल में भी ये मिल जाएगा, हैंडबुक में भी मिल जाएगा, ये 60 वोल्ट वहां पर मेंशन है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ट्रैक्शन पावर सिस्टम का जो लॉन्गिट्यूडनल इंडक्शन वोल्टेज है वो 60 वोल्ट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, बट सम अदर कंडीशंस ये हमारी बढ़ने लगती है जिसको हमें 150 वोल्ट से ज्यादा अलाउ नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही आ गया,
35 में कि द मैक्सिमम परमिसिबल इंड्यूस्ड वोल्टेज इन एन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल इज 150 वोल्टेज। और ये 150 वोल्ट को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन एक से एक दूसरे से लिंक्ड है कि 150 वोल्ट से हमें आगे नहीं बढ़ने देना है उस इंडक्शन वोल्टेज को, तो हमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करने हैं हर 17 किलोमीटर पे। और वो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो उपलब्ध कराए जाएंगे वो लगेंगे कहाँ, केबल हर्ट्स में। तो ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल इंड्यूस्ड वोल्टेज की जो हमारी जो लिमिट है वो 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, बट एबनॉर्मल कंडीशन में ही वो इंडक्शन का प्रभाव जब ज़्यादा होता है तो भी हमारा जो ओवरऑल जो एक्यूमुलेटेड वोल्टेज है वो 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस 150 को नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ने देना, इसलिए हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे एवरी 70 किलोमीटर के ऊपर। और वो 17 किलोमीटर का फंडामेंटल कहाँ से आता है, आपके स्क्रीनिंग जो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। और जो इंडक्शन वोल्टेज हमारा 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर का जो हमारा थ्योरी है उसके हिसाब से है ना, क्योंकि 8.675 वोल्ट पर किलोमीटर एक्यूमुलेट होगा स्क्रीन फैक्टर, हम जो स्क्रीनिंग फैक्टर इस्तेमाल करते हैं केबल का 0.1 उसके हिसाब से। तो जब 17 किलोमीटर तक में हमारा ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 150 तक जब पहुंचेगा तो हम लोग वहां पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर डाल देंगे और वो डालेंगे केबल हर्ट्स में। चलिए 37 नंबर है, द कलर ऑफ कंडक्टर ऑफ कॉर्ड नंबर 5। आसान है ये क्वेश्चन, कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। ऑल न्यू टेलीकॉम केबल शैल बी लेड क्लोज टू नियर द ट्रैक नियर वे स्टेशन नियर द टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम और नियर द रेलवे बाउंड्री, और बाउंड्री से कितना अंदर, 1 मीटर। और नॉर्मली ओएचई से कितना दूर, 5.75 मीटर। अगर हमारी ट्रेंच की जो डेप्थ है वो 0.5 मीटर से ज्यादा है तो कितनी दूर, 3 मीटर। और 0.5 से कम है तो 1 मीटर। बस हो गया, 5-6 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, तो इससे अलग कुछ नहीं आता, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। जेली का पर्पस क्या है किसी भी आरटीएसएफ जॉइंटिंग किट में, किसको रोकना है, प्रिवेंट वाटर, सिंपल है क्वेश्चन। इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ कॉर्ड केबल शैल बी टेस्टेड विद कितने वोल्ट के मेगर से करना है, 100 वोल्ट से करना है। ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट कैरिड आउट विथ टोन फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। और क्रॉसटॉक के लिए 1000। और अगर बीपीएससी का करना है तो किलो हर्ट्ज से। बस तो यही तीन क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे टोन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। लो इंसुलेशन फॉल्ट के लिए हम लोग कौन सा के मीटर इस्तेमाल करेंगे या टूल इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर हम लोग लो इंसुलेशन फॉल्ट को निकालने के लिए, लोकलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बिफोर डिस्कनेक्टिंग ब्लॉक बीपीएससी एंड आईबी सर्किट्स फॉर टेस्टिंग ऑफ कॉर्ड केबल स्टेशन मास्टर को हमें क्या देना चाहिए, डिस्कनेक्शन मेमो देना है हमें। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर किस कैमरे के केस में इस्तेमाल करेंगे, एनालॉग में। हाँ तो एनवीआर पे क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था, यहाँ पर डीवीआर पूछा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ RS-232 केबल यूज्ड इन IPIS, तो IPIS में जब हम RS-232 केबल इस्तेमाल करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, 15। हाँ इसकी जगह पे यहाँ पर 50 फीट लिखा हो सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 50 फीट भी लिखा सकता है उसमें 2550 जो हमारा पिको फैराड का कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से। तो ये कैपेसिटेंस के ऊपर ये
लेंथ डिसाइड होती है कि कितने मीटर तक वो चलेगा, तो 50 फीट या 15 मीटर। और 1200 मीटर किसके लिए है? हाँ, RS-485 के लिए। तो ये याद रखिएगा, RS-232 है तो 15 मीटर और RS-485 है तो 1200 मीटर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट इन्फोर्स्ड, मतलब जो कर्मचारी अनुकंपा अधिनियम जो है वो 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ। तो ये सब सवाल थोड़े रटने पड़ेंगे क्योंकि डेट वाइज पूछ रहा है ना, साल पूछे तो ठीक है लेकिन डेट भी पूछ रहा है तो अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा डेट वगैरह का भी। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है? नहीं, पुनर्गठन पूछ रहा है ना अभी। ये तो पुनर्गठन तो पहले भी हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट ठीक है, रिसेंटली जो हुआ है उसको हम मान के चलेंगे कि जो विवेक देवराय कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस पर अभी हमारे रेलवे बोर्ड का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जिसमें ये मेंबर्स और जो बनाए गए हैं, डीजी बनाए गए हैं, वो सब देवरॉय कमेटी के सिफारिशों पे हुई है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, फैमिली पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ है? 1964 में हुआ है। तो ये इस पेपर में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो थोड़े हटके हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन होते हैं उससे ये हटके हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। जैसे अभी पिछले में भी था, इसमें भी आ गया है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, कितने लोगों को हम एक प्रिविलेज पास में शामिल कर सकते हैं? तो 5 मेंबर को शामिल कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 को। हाँ, 1 अप्रैल 1949 को हमारा लागू हुआ है। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1948 है तो अगले साल से जनरली कोई भी रूल बनता है तो अगले साल से होल्ड आउट होता है, तो लागू होता है, तो उसमें ये 1-4-1949 थोड़ा मिलता जुलता सा लग रहा है, तो वो याद रखिएगा। राजभाषा नब कब संशोधित हुआ? ये तो इतनी बार से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1987, 2007, 2011, 2016। और अंडमान निकोबार कौन क्षेत्र में आता है? तो ये भी हो गया हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा शामिल, कौन किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारे लिस्ट से बाहर की चीजें। पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड में जो राजभाषा अनुभाग की स्थापना 1960 में की गई है। पहला जो पेपर था उसमें क्या पूछा गया था? हिंदी सहायक के पद का सृजन किस साल हुआ था रेलवे बोर्ड में? तो रेलवे बोर्ड के संदर्भ में अगर ये क्वेश्चन, हाँ 1952 में, तो ये दो क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से पूछा हुआ है बहुत बार अलग अलग एग्जाम में कि रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग यानी हिंदी सेक्शन का गठन कब हुआ है, 1960 में राष्ट्रपति के आदेश, उसके बाद आदेश के बाद, और हिंदी पद का सृजन 1952 में। तो 1952 और 1960 ये दो साल हैं जो हम लोग रेलवे बोर्ड के संदर्भ में याद रखेंगे। और 55 नंबर क्वेश्चन फिर से आसान सा, कितने लोकसभा मेंबर हमारे हैं, हमारे संसदीय राजभाषा समिति में? तो 20 टोटल सदस्य हैं, 10 राज्यसभा से हैं और 20 लोकसभा से हैं। तो हमारा ये 55 नंबर क्वेश्चंस इजी वे में कंप्लीट हो गए, कुछ टाइम नहीं लगा क्योंकि पेपर वाकई आसान था, ये पेपर बहुत ही आसान था, और जिन्होंने भी दिया होगा थोड़ी बहुत तैयारी अगर उन्होंने की होगी तो इसमें ना होने जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ये 6 नंबर वाला भी देखता हूँ, इसका एसी फ्यूज का रेटिंग
क्योंकि नोट्स में हमारे तो डीसी फ्यूज या एसी फ्यूज लिखा नहीं है, बट 10 एम्पियर ही लिखा हुआ है, वो डीसी के लिए है। एसी के लिए मैं एक बार थोड़ा सा और इसको देखता हूँ, कहीं लिखा हुआ दिखे तो, है ना। बाकी आप एक बार पीटीसीसी देख लेना, पीटीसीसी के और क्या क्या काम है, और 11,000 वोल्ट और 11,000 से ज़्यादा वोल्ट की लाइन के लिए पीटीसीसी का रोल डिफाइंड किया गया है, ठीक है।